तो हम अपने डॉग्स को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ हम खुद भी बैठ सके। वही है देखो, ओरे ओरे सीधा चलना लगे मैं बैठे को ये ला ओरे भाई। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट सुचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो आप लोग कैसे हो भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। सो अभी की अपडेट क्या है भाई, आज सुबह सुबह मेरे को कई सारे काम थे, कल रात को इतनी ड्राइविंग करी मैंने। मैं आप लोगों के लिए एक डॉग देखने गया था बट वो डॉग मुझे पसंद नहीं आया, सो इसलिए मैं वो लेके नहीं आया और तभी मैंने शूट नहीं करा। अगर मेरे को पसंद आता तो मैं उसी टाइम वहां से शूट कर देता और आप लोगों को वीडियो मिलती कि वी गॉट अ न्यू डॉग। ठीक है, सो अभी मैं रिवील भी नहीं कर रहा कौन सा देखने जा रहा था। अच्छी बात है, अगर वो मैं घर पे लेके आ रहा हूँ तो मेरे लिए 10-12 साल की जिम्मेवारी है मेरी, जितनी उसकी लाइफ है, तो चीजें देख के लेनी चाहिए। तभी मैं कहता हूँ कि ब्लड लाइन वगैरह, क्वालिटी, उनका टेम्परामेंट, सब चीज देखनी पड़ती है। ठीक है, सो वो मैं करके भाई रात को मैं 1 बजे घर पहुंचा, रात को 1 बजे। और फिर आज सुबह फिर मैं किसी को छोड़ने चला गया था और फिर अब आया हूँ, आके फिर काम वगैरह करने लगे। और आपको अपडेट दूं क्या हो रहा है, अपडेट ये है भाई आज है संडे और संडे को थोर और कोनी नहा रहे हैं। ये बैठे थोर, ये बैठे कोनी, नाली बैठे, आजा आजा बच्चों आजा आजा, यहाँ पे आजा तो बच्चे नाली नाली मोटू। हाँ। वे कितने सुंदर बाल आ गए मेरे बच्चे के, ये तो बहुत सुंदर और प्यारी आ गया इसको नुवा के। और उस खुद ही अपना पट्टा खोलने की कोशिश कर रहा है, वो अलग वो पर्सनालिटी है, ये अलग है। ये बहुत ज्यादा हाँ हाँ क्या कौन है कौन है भाई थोर का, जो मुझे बेस्ट चीज लगती है ना, एक तो इसका इसका बिहेवियर और इसका जो फेस है ना भाई, बोली वापस हरु वो, अरे वाह भाई वाह, देखो इसका लुक देखो, वो कौन बेटी कौन, देखो देखो भाई मस्तियां देख लो इस हाथी में, ये देखो भाई क्या कर रहा था अभी अभी, इसमें बचपना है ना, थारू है बचपना है इसमें बहुत ज्यादा। अरे ये भी पूरी कि भाई मैं भी ये 4 साल के हिसाब से ये समझदार होगी, ये उतनी मैच्योर होगी ना। अच्छा कोई नहीं, इधर आ जा, तेरे को नहीं बुला रहा, ये देखो इसका फेस देखो भाई, थोड़ा परफेक्ट, और पैर देखो पीछे बिल्कुल परफेक्ट रखे हुए हैं भाई। अब इन दोनों को अलग अलग कर दिया है, थोरू पापा के पास है, कोनी मेरे पास सो गई है। और ये थोर की आदत है, ये ना छेड़ के भाग जाता है। बढ़िया खेल रहे थे दोनों है ना पापा जी, और इसकी आदत है ये छेड़ के और फिर भाग जाएगा। देख 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 लो क्या कर रहा है, देख लो देख लो। थोरी डॉन तो अपने आज गया नीचे और भाई मेरी हालत बहुत खराब है, मैं शायद दिखाऊं भी ना शक्ल अपनी, तो मैं नहा लेता हूँ और फिर मिलते हैं। आज हमारे हेलो को भी निलाया गया है और ये देखो कैसे बैठा है बंदरू सा। चलो भाई मैं गाइस मैं नहा चुका हूँ और मैं अभी अभी पेंडोमिस्ट्री फार्म पे जाऊंगा और वहाँ पे एक बार पानी वगैरह डाल के आएंगे घास पे। मोहित भाई साहब कपड़े बदल आए हैं, पापा भी कपड़े बदल लिए, मैं वही कपड़ों में हूँ क्योंकि मैंने आज पोछा मारा है भाई अंदर। सो आज ट्राई करके देखते हैं, पेंट तो सूख गया भाई और ये मैट लगा के देखते हैं
एक्सपेरिमेंट्स है ये, काम कर जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर इनके लिए जो प्रॉपर मैट होते हैं ना वो लेके आएंगे। ये उल्टा होता ना, ये ऐसे बांधना पड़ेगा ये, पर ये ठीक है, थोड़ा आगे कर लो चाह फिट ही आ जाएगा ये। ये देखो बिल्कुल सही, कोई दिक्कत भी नहीं होगा डॉग्स को बैठ के पापा इसमें। चलो सही है वैसे, है ना पापा जी, जो सोचा था वैसा हो गया बिल्कुल। लो भाई अब देखो, हम अपने डॉग्स को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ हम खुद भी बैठ सके। सही लाइव एग्जांपल, सही बात है ना। हाँ, बिल्कुल लाइव एग्जांपल ये देख लो भाई। सही है। सो आप पेट डोमेस्टिक फार्म पे अपने डॉग्स को वो हॉस्टल फैसिलिटी के लिए बेझिझक छोड़ सकते हो, है ना पापा जी। बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बाहर अपने पार्क है हमारे यहाँ पे, और थोड़े दिनों में स्विमिंग पूल भी बन जाएगा। सो प्रॉपर फैसिलिटीज है, ठीक है ना पापा। हॉस्टल फैसिलिटी शुरू हो चुकी है हमारी। अब ये केज की होगी है, बाकी अंदर बहुत सारे केजेस और आने हैं तो उनकी भी हो जाएगी। किसी भाई ने बाहर जाना है और उसका डॉग को कोई संभालने वाला नहीं है तो हम है संभालने वाले। और वही वो भी फैसिलिटी है कि अगर जैसे कोई वर्किंग है पेरेंट्स और उनके पास डॉग है तो वो सुबह छोड़ जाए शाम को ले जाए अपना। सो इन सब के सारी डिटेल्स मैं पेट डाइवर्सिटी का बैनर रिलीज करूंगा अभी 2-3 दिनों में तो आपको बता देंगे। बट ये होगा इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास कहीं, आओ बैंगलोर पे फोन। बैंगलोर आज आप तो रख लें। हाँ सही बात है, कहीं से भी आओ आप लोगों के लिए वेलकम है, ये सर्विस दे सकते हैं। हाँ ठीक है, और आप हम पापा से मिल भी सकते हो। तो गुड मॉर्निंग, आज नेक्स्ट डे है। ये मेरा थोरू भाई, आज नेक्स्ट डे है और मैंने आज सोचा कि क्यों ना थोर को एक लंबी रेस पे लेके जाया जाए और रेस पे मैं भागूंगा अच्छा लगेगा। तो आज मैं मेरी साइकिल निकाल रहा हूँ बहुत सालों बाद। ये मेरी साइकिल है भाई, गजब है ना। मैंने ये पहले वीडियो डाली थी, इसको मैंने ठीक कराया था, फायरफॉक्स की है ये मेरी, और ये मैं जब स्कूल में था 9th या 10th में तब लेके आया था। सो आज इस साइकिल पे मैं साइकिल चलाऊंगा और थोर मेरे साथ भागेगा, देखते हैं कैसा लगता है प्लान। ये फुल एक्टिव हो रहा है, ये खुश हो रहा है जाने के लिए। चलो चलते हैं। गेट पे हमारे ये बैठे हैं, क्या चाहता है भाई तू? हेलो, बिल्कुल वाइट वाइट हो हुए, तू नहा लिया ना? ये बेटू नहा चुका है, चलो हेलो बैठ जाओ। सो दोस्तों मैं अपनी साइकिल पे हूँ और थोरी वो देखो पापा के साथ कहाँ पे है, पोटी कर दी उसने, पोटी कर दी। चलो अब मेरे साथ ही लगाओ साइकिल पे। और मैं भी साइकिल पे तो कई बार मुझे पैडल भी मारने की जरूरत नहीं पड़ी थी, है ना पापा, जैसे घोड़ों के नहीं कहते भाग बेटा भाग भाग, वैसे भाग रहा था ये। तो अब इसकी रोज ही एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है पापा, गजब हो जाएगी सिस्टम। अब जाके इसको फेवरेट खाना मिलेगा इसका चिकन, इसकी एनर्जी भी हो जाएगी ना, बर्न हो जाएगी। थोरू ओए थोरी चल इसको घुमा ले, चल थोड़ा और घूम ले। सो दोस्तों व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बहुत सारे प्रोजेक्ट आगे आने वाले हैं। सो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा यार कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले हैं। सो यार एक काम कर दो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दोगे और बेल नोटिफिकेशन जो होती है ना ऑल कर देना, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि नया व्लॉग आ गया। सो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। सो ओके बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।